सोचोगे इतनी सारी चटनी, इनकी चटनी सच में टेस्टी लगती है। पार्टी का सामान हो गया पूरा तरह रेडी। क्या क्या है? मैंने केक खाया, मैंने सोचा कोई रिएक्ट नहीं करते हैं। हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है 15 अप्रैल और 14 अप्रैल 2023 मींस कल मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स हो गए, मींस बोल रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है, मैंने आप सबको थैंक यू भी बोल दिया। आज ये व्लॉग उसी से रिलेटेड होगा, कुछ सेलिब्रेशन करेंगे थोड़ा बहुत। हमारे पेपर भी आने वाले हैं तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, थोड़ा प्रेशर में है। और आज का पूरे दिन का बस ऐसे ही डेली व्लॉग टाइप होगा, आप देखना। मैं बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाली, इसमें कुछ नई नई चीज़ें भी दिखाने वाली, मुझे कुछ एक दो गिफ्ट्स भी मिले हैं तो मैं वो भी दिखाने वाली, काफ़ी स्पेशल से गिफ्ट है, तो व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखना। गाइज मैं फटाफट जा रही हूँ अभी डिपार्टमेंट, क्योंकि मुझे ये एक्टिव वॉच देनी है। मैं रेडी हो गई, नहा धो ली फटाफट ऐसे घर के, ये है मेरा ओटीडी। बस फटाफट जा रही हूँ बिकॉज सर को मुझे ये देना है। और मैं सोच रही हूँ स्वीट शॉप पे चली जाऊँ, वहाँ पे मैं थोड़ा कुछ खाने पीने के ले आऊँ, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है सबको। गाइज मैं आई थी पास में एक बेकरी में, सोचा लोगों के लिए कुछ खाने को ले जाऊँ क्योंकि सब भूखे हैं सुबह से। सोची थी पेस्ट्री ले लूँ, बट पेस्ट्री अभी अवेलेबल ही नहीं है, तो सारे केक्स अवेलेबल है। पर अब चलो बटर पैटी ले लेती हूँ। भैया बड़ी बड़ी रखना, बहुत बड़ी बड़ी। पेटी लेने के बाद मैं आई हूँ समोसे लेने, चलो समोसे भी ले लेते हैं हाथ में। ज़्यादा चिलचिलाती धूप हो रही है, हद से ज़्यादा, मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं दिख रही हूँ कि नहीं, इतना सारा सामान लेके जा रही हूँ। चलो अब सीधा हॉस्टल में मिलती हूँ। साल हो गई हॉस्टल आ गए, धूप में से आई हूँ, सनबर्न हो गया, सनबर्न। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। उसके पास पेस्ट्री नहीं थी आज, डिलीशियस पे कह रहा शाम तक होगी, अभी नहीं होगी, अभी नहीं होगी। मतलब थी वैसे वाली, वो 60-60 रुपए, मतलब हमारी औकात से बाहर हो गई। पार्टी का सामान हो गया पूरा तरह रेडी। मजा आया। सोनू सिस्टर, मोनिका सिस्टर, आराम से मेरा मेकअप लाना। तृप्ति मिल गई, लेकिन लंच का तो टाइम भी हो गया, एक बज गया है एक। गाइज पेट पूजा कर ली, समोसे वमोसे खा ली, सब कुछ कर लिया। मेरे माइंड में एक आइडिया आया था, जो कल हमें जाना है, कल ही परसों हमें डिपार्टमेंट वगैरह जाना है, तो मैं ऐसे अपना बैग वैग दे देती हूँ। देखना बहुत दिनों से यार एक ही बैग ले जा रही है, अब मुझे जाना है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कुछ गिफ्ट दिखाने वाली हूँ, अपना एक बैग मंगाया है साइड बैग। मैं सोची अब बैग को करती हूँ, अभी एक सेकंड अभी दिखाती हूँ। ये मैंने बैग मंगाया है और ये है एक ब्रांड ज़ूक, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है आजकल। मैंने बहुत सारी शॉर्ट वीडियो देखी है, ट्रेंडिंग में थी, सब कुछ था। शार्क टैंक में भी विनीता सिंह ने बोला था कि इनकी क्वालिटी काफी अच्छी है, वेगन प्रोडक्ट्स हैं इनके जो भी है। तो मैंने ये बैग मंगाया था, खोल कर दिखा देती हूँ। काफी ज्यादा स्पेशियस लगा मुझे ये बैग, तो देखो इतना सारा स्पेशियस था। अब चलो मैं इस बैग में ना अपना सामान अरेंज करके दिखाऊंगी, ज़ूक का है। और मतलब चलो स्टार्ट करते हैं, मैं पहले अपना सामान दिखाती हूँ इस बैग में। गाइस बैग रेडी, अब बैग में चलो सामान रेडी करते हैं। सबसे पहले तो दो ही किताबें, एक नोट्स की किताब है और एक बुक है, इन दोनों को रख देते हैं सबसे पहले। और इसके बाद आता सबसे एसेंशियल, कॉलेज स्टूडेंट या ऑफिस वगैरह के लिए आता है लैपटॉप, तो वो भी रखना बैग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बैग तो मुझे इतना स्पेशियस लग रहा है कि इसमें चीज़ें आ जाएंगी। हाइड्रेशन के लिए वाटर बॉटल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वाटर बॉटल होना बहुत ज़रूरी है, तो वाटर बॉटल तो हमेशा आप सबके बैग में होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मेरे कंप्यूटर ग्लासेस लेंस कार्ट के हैं तो ये कंप्यूटर ग्लासेस रख देती हूँ। हाँ सबसे बढ़िया बात जो मैंने आपको नहीं दिखाई, इनका मैंने मंगाया वॉलेट, ज़ूक का वॉलेट। इसकी चेन मुझे इतनी ज़्यादा बढ़िया लगा, इतना स्मूथ है यार ये वॉलेट, स्क्वायर शेप में है। और देखो इसमें ये कॉइन्स रखने का है, ये जो पॉकेट है काफ़ी अच्छी सी पॉकेट है, मुझे तो बहुत क्यूट सी भी लगी। ये थोड़ा सा मुड़ रहा है, मैंने काफ़ी यूज़ किया है ये अभी। और ऐसे ऐसे साइड में ये है भी है, काफ़ी वॉलेट्स में मैंने देखा ये चीज़ें नहीं होती, बीच में इसमें कुछ आप अपनी हरी पत्तियाँ और गुलाबी पत्तियाँ रख सकते हैं। और ये कार्ड रखने की स्पेस होती है, यहाँ पर कुछ पैसे वगैरह रख लो, बढ़िया वॉलेट है। कुछ बड़े वॉलेट भी आते हैं और स्क्वायर शेप में काफ़ी छोटे वॉलेट भी थे, तो मुझे वो ज़्यादा छोटे लगते थे और बड़े वॉलेट मुझे ज़्यादा बड़े लगते थे। ये मुझे स्क्वायर शेप में काफ़ी क्लासी और यूनिक सा लगा, बिकॉज आज तक मैंने इतने बड़े नहीं देखे स्क्वायर शेप में, तो इसे भी रख देते हैं, ये भी ज़रूरी होता है। कुछ इसेंशियल चीज़ आ जाती है, हाँ किट रखना भूल गई थी, किट भी रख देती हूँ। ये तो समर इसेंशियल थी, तो मेरे बैग में हमेशा ही इसेंशियल्स होते हैं। अब आता है सनस्क्रीन, ज़रा सनस्क्रीन बायोटिक की है, वैसे मेरे पास डर्मोकोक की भी वो अच्छी होती है, ये रख लेती हूँ इसमें। ये मेरा ग्लिसरीन गुलाब जल, मुझे कभी कभी ग्लो के लिए चाहिए होता है। मजाक कर रही हूँ। अब इस पॉकेट में जो मैं इस पॉकेट में सोच रही हूँ इसमें कुछ अपनी ऐसी चीज रखो जैसे खोने का डर हो। खोने का डर जैसे कि होती है चाबी, हॉस्टलर है तो चाबी तो जरूर चाहिए होती है, रूम की चाबी, कुछ दवाइयाँ,
जैसे मेरी पेन किलर वगैरह होती है स्टमक एग वगैरह की, वो रख देती हूँ, ये रख दू। अब इसमें ना इस बैग में एक और चीज है, इधर दोनों साइड में पॉकेट्स है ऐसे ऐसे, इसमें मैं सोच रही हूँ इसमें अपना चार्जर रख देती हूँ। ये तो हो गया भाई मेरा बैग रेडी, फुल ऑन रेडी। चेन लगा देती हूँ उसकी, देखती हूँ चेन लगेगी नहीं लगेगी, इतना सारा सामान लगा। हो गाइस इतना स्मूथली लग गई। गाइस मेरा तो कॉलेज बैग हो गया रेडी, और मैं ये शॉक्ड हूँ कि इस बैग में मैंने इतना सारा सामान भर लिया, उसकी शेप अभी तक जरा चेंज नहीं हुई। ऐसा लग रहा बिना सामान के भी इसकी शेप यही थी और सामान के साथ भी इसकी शेप यही है। ये तो मस्त चीज हो गई यार, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ मंडे को इसे कॉलेज ले जाने के लिए। और हाँ मैं आपको एक चीज बताना भूल गई, पता है ज़ूक वाले ने मुझे एक कूपन कोड दिया है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, YT My Backpack 12 करके 12% ऑफ मिलेगा आप सबको अगर आप ज़ूक से शॉपिंग करेंगे। और ज़ूक की वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उनके यूट्यूब चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जाकर उनके सारे बैग्स चेक कर लेना, अपनी मर्जी से ले लेना। इनके बैग्स की क्वालिटी मुझे नो डाउट बहुत अच्छी लगी, और इनका वॉलेट यार, मुझे वॉलेट इनका सच में इतना अच्छा लगा है, मैंने बहुत टाइम से वॉलेट यूज नहीं किया था, बहुत टाइम से नहीं लिया था, और इनका जो ये वाला वॉलेट था ना ये मुझे सच में अच्छा लगा, मैं इस वॉलेट से तो इम्प्रेस हुई, बहुत टाइम बाद लिया वॉलेट। और तो बाकी चीजें बातें होती रहेंगी, 2 बज चुके हैं, लंच का हो रहा है टाइम, तो चलो लंच करने चलते हैं। कूपन कोड मेंशन कर दूंगी, अवेल कर लेना। कैसे हुआ? एक ना बहुत ज्यादा स्प्रिंग का था तो उसने ऐसे हमें लेटा दिया ऐसे। आज तो मैं खीरे पे हूं, ये रहा मैं इसका कुछ ऐसा हाल, 2:30 बज रहे होंगे अभी, 2:15 बज रहे हैं आज, बस हम खीरे खाए यार, ऐसे लग रही है ना गंदी सी। Soon after. Guys, पता नहीं मेरी आंखें इतनी ज्यादा सूज क्यों रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। और हाँ मैं पढ़ रही थी बहुत देर से, 2-3 घंटे हो गए के बाद से मैंने थोड़ा यूट्यूब की एडिटिंग वगैरह की, 1-2 घंटे लगे यूट्यूब की एडिटिंग, सबके कमेंट्स के रिप्लाई में, अभी भी बहुत सारे कमेंट्स रह रहे हैं, पर कोई नहीं कर देंगे धीरे धीरे। उसके बाद मैं पढ़ने लग गई बिकॉज सुबह से पढ़ाई नहीं होती, परसों हमारा इंटरनल एग्जाम है उसके लिए बहुत नर्वस रहे, परसों मीन्स मंडे को है और ये व्लॉग आई थिंक संडे को अपलोड होगा। तो चलो अब मैं आपको थोड़ा और अपने आपको पढ़ते हुए दिखा देती हूँ, एंजॉय। गाइस बाहर चलते हैं, आज ये पैंट पहनूंगी मैं, ये पैंट, दिस पैंट। सो गाइस ये रहा मेरा ओटीटी, मैं कैसी लग रही आज ब्लू टी-शर्ट में, मुझे किसी ने देखा था, उसने कमेंट भी किया कि उसने आज मुझे देखा था, जल्दी से चलते 7:30 बजे, लेट हो गए। नहीं वो यूट्यूब पे लाइव थी, उसने केक अपने क्या क्या रिएक्ट, मैंने केक खाया, मैंने सोचा कोई रिएक्ट नहीं करते हैं, मैंने इन लोगों को केक खिलाया, इनका भी कोई रिएक्शन नहीं, मैं उस केक को देख के स्मेल को देख के इतनी मजबूर हो गई, मेरे मुँह से निकला कितना घटिया केक है, और सबके मुंह से निकला, सबने उठाना भी जरूरी नहीं समझा, उसके बाद वो केक आप पैसे रिफंड कर दीजिए। हाँ रिफंड कर दीजिए, 350 गाइज आम दिखे लगे हाथ, एक आम ले लिया 20 रुपए का, इसकी एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, आजकल बड़ी वायरल चल रही तो वो बनाऊंगी, वो देखते हैं। हम आ गए वो सड़ा हुआ केक रिटर्न कर, इतना घटिया केक था। बात ये नहीं है कि वहाँ पे, अब उन्होंने बहुत सारे रीजंस दिए कि मैं वहाँ पे नहीं था, बात ये नहीं है कि वो वहाँ पे थे, डिस्प्ले में नहीं होना चाहिए था ना, कि हम नहीं लेके आते, कोई और कस्टमर लेके जाता, सबका ही पेट खराब करने वाली बात हो गई ना ये तो। और प्लस फिर हमारा टाइम वेस्ट हुआ, हमारे परसों से इंटरनल है, हमारा टाइम वेस्ट हुआ, हमारे पैसे वेस्ट हुए, सब चीज़ यार, इसलिए हम रिटर्न कर दिए और अपने पैसे लेके आ गए उस शॉप से। गाइस चलो भूख लग रही है, हैंग्रीज जाते हैं, तो बर्गर आ गए हमारे, मोमोज अभी आएंगे हमारे, ये आ गए चाउमीन आ गए, हम इसमें से आधा आधा शुभांगी और मेरे में बटेगा, 120 रुपये की ये चाउमीन है, ये बर्गर 48 रुपये का, लेकिन इसकी GST वगैरह लगती है। हमारे टेस्टी एंड टेम्पटिंग एंड बेस्ट मोमोज आ चुके हैं, इनके साथ ही भैया ये भी लाए क्योंकि हमें ये चाहिए होते हैं ज़रूरी। गाइस देखो आज इन मोमोज का डाइसेक्शन करते हैं यार, बड़े बहुत होते हैं, इनकी फीलिंग बहुत अच्छी होती है, ये बात तो है, एंड चटनी भी बहुत अमेजिंग होती है, आप सोचो कि इतनी सारी चटनी, इनकी चटनी सच में टेस्टी लगती है एंड स्पाइसी नहीं होती। अच्छा इतनी सारी फीलिंग तो गिर गई, तो खाएंगे 10 मिनट पहुँचेंगे, इतनी जल्दी वो नहीं देती मैं। बढ़िया गाइस बढ़िया। नाइस।
गाइस मैं पी रही हूँ कोल्ड कॉफी, और कोल्ड कॉफी पीते हुए चलो ये व्लॉग मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, करना मत भूलना। ओके बाय बाय, टेक केयर, और आगे ऐसे मिनी व्लॉग आते रहेंगे, अपने कमेंट्स में सजेशन देते रहना। ये करना जरूरी था। बाय गाइस।